रक्षा बंधन के अवसर पर दुर्ग भाजपा महिला मोर्चा द्वारा स्नेह बंधन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया उपस्थित हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम में ई रिक्शा चालकों को राखी बांध प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपने भिजवाए गए राखी का वादा याद दिलाया। रक्षा बंधन के पावन अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा दुर्ग के उत्तरी टेम्पो स्टैंड चौक पर स्नेह बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, लोकसभा सांसद विजय बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, नरेंद्र बंजारे, अजीत वैद्य, के एस चौहान, कांतिलाल बोथरा सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने रक्षाबंधन के पर्व के बारे में बताते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। अपने भाई के प्रति केवल सम्मान करना इतना नहीं, लेकिन उसके भविष्य की कामना भी करना, और उससे और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ हमारे जिला मोर्चा महिला के अध्यक्ष बोल रही थी कि हमारे भाई जब सब्जी लेने के लिए मंडी पे जाते हैं तो रिक्शा में ऑटो में जाते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो व्यवहार में उपयोगी होने वाला सबसे सुलभ व्हीकल ऑटो होता है। ऐसे मेरे ऑटो चलाने वाले भाई हमें सम्मान पूर्वक, मैंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी, रेयर केस में कोई घटना होती होगी, मैं मेरे ऑटो भाइयों को सम्मान करना चाहता हूँ, नहीं केवल दुर्गापुर के लेकिन हिंदुस्तान सारे भारत वर्ष के। मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरी हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी अदा करता है। को रक्षा के सूत्र से बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, केवल बहन की अपेक्षा होती है हमारे बहन का सम्मान करें, हमें कुछ दे लेकिन क्या, और कोई अपने स्वार्थ का कुछ नहीं मांगती है, लेकिन सच्चे भाई होते हैं ना, वो अपना दायित्व अदा करता है। गए काल अगले दिन मोदी जी ने ये रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए, रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए दे दी। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों तथा ऑटो मिस्त्री, पान दुकान चलाने वाले फुटकर व्यवसायियों व मजदूरों को रक्षा सूत्र बांधने के आयोजन में उपस्थित सांसद सरोज पांडे ने भी ऑटो चालक भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी और अपने संबोधन में राखी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि मैंने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भिजवाई है और पिछले साल भी राखी भिजवाई थी, लेकिन राखी के बदले भाई के द्वारा वादे के रूप में दी जाने वाली सौगात को अब तक पूरा नहीं किया गया है। मैं यहाँ 10 साल महापौर रही, मैं आज इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस धरती पर जब जब मैं आती हूँ, दुर्ग जब भी मेरा आना होता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुर्ग की इस धरती पर काम करने का सौभाग्य मिला। आज हम सब रक्षा सूत्र हाथों में लेकर अपने उन भाइयों के कलाइयों पर बांध रहे हैं जो कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है। जब हम महापौर थे तो ऐसे कार्यक्रम के आयोजन बहुत हुआ करते थे, दिवाली में कपड़ा, होली में रंग और कपड़े, तो ठंडी में कंबल या नगर निगम की ओर से दिया जाता था। उस समय दुर्ग का वातावरण कुछ और हुआ करता था। आज इस कार्यक्रम में मुझे अपने उन कार्यक्रमों की ही याद हो आई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इस स्नेह यात्रा को निकाला
और हम सब अपनी पुरानी यादों में खोए। बहनें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए और भाई चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने घर के आंगन की जो खुशबू है वो बहन के दिल में हमेशा बसी रहती है। जो भी थोड़ा समय मिलता है हम बहनें अपने भाइयों की चिंता करती हैं और उस आंगन की हमेशा चिंता करती हैं। अगर घर में कोई परेशानी हो तो सब चीज़ों को भूलकर दौड़ती चली आती है, अपनी परेशानियों को भूल जाती है। ये बहनें हैं जो अपने भाइयों की हमेशा लंबी आयु की कामना करती हैं। मैंने भी राखी भेजी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, और आज से 3 साल पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, मैंने उनको राखी भेजी और मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ, आप शराब बंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं, और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है, और नहीं मांगती है तो भी देता है, वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, सब बहनों ने टूट कर कांग्रेस को वोट दिया, मैंने वादा याद दिलाया। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।